In this part of building material, we will be discussing about concrete. Concrete is the lengthiest but the most important part of building material. Concrete है mixture cement, sand, aggregate का, जिसे हम water के साथ mix करके एक stiff material बनाते हैं, जिससे हम RCC beams, columns, slabs and other of the superstructures को design करते हैं. कंक्रीट में सबसे पहले आता है मेथड्स ऑफ मेकिंग अ कंक्रीट. मिनिमम वॉइड मेथड में क्या करते हैं, हम मानते हैं कि सैंड एग्रीगेट के वॉइड्स को फिल करेगा, सैंड के वॉइड्स को सीमेंट पार्टिकल फिल करेंगे. मींस एग्रीगेट को डालेंगे तो एग्रीगेट के बीच में बचा हुआ जो वॉल्यूम होगा, एग्रीगेट के बीच में जो बची हुई स्पेसेस होंगी, उनके अंदर सैंड पार्टिकल्स जाएंगे और सैंड पार्टिकल्स के अंदर हम सीमेंट पार्टिकल्स को फिल अप करेंगे. ये तो हम थियोरेटिकल बात कर रहे हैं. प्रैक्टिकली क्या होता है, सैंड का जो वॉल्यूम होता है वो 10% ज़्यादा लिया जाता है वॉइड्स के, और सीमेंट का वॉल्यूम जो होता है वो 15% ज़्यादा लिया जाता है वॉइड्स ऑफ सैंड के. नंबर सेकंड वन इज़ मैक्सिमम डेंसिटी मेथड. दिस वन वाज गिवन बाय सर फुलर. जो हमारा परसेंटेज ऑफ वेट पार्टिकल का, वो हमारे पास शुड बी इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी रेज टू द पावर 1/2, वेयर मैक्सिमम साइज ऑफ द एग्रीगेट एंड स्मॉल डी इज द फिलर मटीरियल. थर्ड मेथड ऑफ मिक्सिंग कंक्रीट इज अब्राहम वाटर सीमेंट रेशियो लॉ. इसमें वो माना जाता है जैसे जैसे हम वाटर का रेशियो इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे कंक्रीट की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती रहती है, इसलिए हम वाटर रेशियो सीमेंट लॉ भी किसे कहते हैं. कमिंग अप टू एन इंपॉर्टेंट टर्म विच इज मिक्स डिजाइन. अ प्रॉपर रेशियो ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट टू फॉर्म अ डिजायर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज नोन एज मिक्स डिजाइन. जैसे हम बात करते हैं M20 या M30 की, तो M20 हमारे पास आता है, वो आता है 1:2:3 रेशियो ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट बाय वॉल्यूम, वेयर 1 डिनोट्स सीमेंट, 2 डिनोट्स सैंड एंड 3 डिनोट्स वॉल्यूम ऑफ द एग्रीगेट. अब M20 का मतलब होता है 20 न्यूटन पर mm2, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो इतनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को रेजिस्ट कर पाएगा इसका मिक्स रेशियो का बना हुआ एक स्लैब या कॉलम. दूसरा हमारे पास आता है नॉमिनल में. अनलाइक मिक्स डिजाइन, इट इज नॉट एक्सपेरिमेंटली प्रूवन और इट इज नॉट हैविंग एनी प्रोपोर्शनेट वैल्यू. इट इज जस्ट 1:n:2n. मीन्स अगर हम एक मग सीमेंट डाल रहे हैं तो वी विल बी प्रोवाइडिंग 2 मग्स ऑफ सैंड, देन वी विल बी प्रोवाइडिंग 4 मग्स ऑफ एग्रीगेट. दिस इज फॉर नॉमिनल मिक्स वर्क. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द कंक्रीट. एज वी अर्लियर डिस्कस्ड, सीमेंट जो है वो बाइंडर है. इट वर्क्स एज अ एडेसिव, मतलब फेविकॉल की तरह काम करता है. सैंड एक हमारा बल्क वॉल्यूम प्रोवाइड करती है और ये फिलर मटेरियल की तरह काम करता है. उसके बाद द फाइनल इज एग्रीगेट. एग्रीगेट हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट करता है, लोड बियरिंग के काम आता है और ये इम्पैक्ट लोड्स को रेजिस्ट करता है. हमारे पास कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट के दो पार्टिकल्स होते हैं. कोर्स एग्रीगेट वो सारे एग्रीगेट होते हैं जो 4.7 mm से ज़्यादा साइज के होते हैं, और फाइन एग्रीगेट 4.75 mm के नीचे लाई करते हैं. कंक्रीट के इतनी सारी प्रॉपर्टी और इतनी सारे फायदे होने के बाद भी देर आर सम डिफेक्ट्स इन कंक्रीट, जैसे कि कोरोजन. कंक्रीट के अंदर क्योंकि मॉइस्चर होता है, वाटर सीमेंट सैंड एग्रीगेट रेशियो होता है, इसीलिए उसके अंदर कोरोजन होता है. तो कोरोजन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो एक्सेसिव में नहीं लेते हैं. वाटर के अंदर कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट ना हो इस बात की पूरी ध्यान रखते हैं. परमिसेबल लिमिट ऑफ द सॉल्ट इज 200 mg/L. क्लोराइड्स को हम बिल्कुल भी नहीं रखते हैं. नंबर सेकंड वन इज ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट. जब सीमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट हो जाता है तो उस वाटर जो होता है उसके अंदर से ऊज आउट होने लगता है, और इस वजह से क्या होता है, पानी के साथ साथ सीमेंट के भी पार्टिकल्स बाहर आने लगते हैं. दिस इज नोन एज ब्लीडिंग. सेग्रीगेशन, अगर कंक्रीट में सीमेंट अलग, सैंड अलग और एग्रीगेट्स अलग अलग होने लगे तो उसे हम कहते हैं सेग्रीगेशन. ये बड़े बड़े वॉइड रेशियो को पॉइंट आउट करता है और इससे ड्यूरेबिलिटी भी सीमेंट की कम हो जाती है. नाउ वी टॉक अबाउट द परमिसिबल लिमिट. वाटर कितना ऐड किया जाए, वेट ऑफ द वाटर टू बी एडेड शुड बी 28% ऑफ द वेट ऑफ द सीमेंट प्लस 4% ऑफ द वेट ऑफ द एग्रीगेट. या तो वेट ऑफ द वाटर 30% ऑफ द वेट ऑफ द सीमेंट हो और 5% वेट ऑफ द एग्रीगेट हो. इन दोनों के बीच में जो वैल्यू रेंज लाई करेगी उतना हम वाटर ऐड करते हैं किसी भी सीमेंट कंक्रीट मिक्स में. नाउ देयर इज अ टर्म वर्केबिलिटी. जितनी आसानी से हम किसी भी कंक्रीट वर्क को बनाते हैं, मिक्स करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, प्लेस करके, फिनिश करके कंक्रीट का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, उसे हम वर्केबिलिटी कहते हैं. उसके बाद हम वर्केबल मिक्स बनाने के लिए एग्रीगेट के साइज को बढ़ा लेते हैं, राउंड लेते हैं, एग्रीगेट का टेक्सचर स्मूथ होना चाहिए और एग्रीगेट शुड बी वेल ग्रेडेड. उसमें बड़े बड़े एग्रीगेट भी होने चाहिए, मीडियम साइज़ के एग्रीगेट भी होने चाहिए और छोटे भी एग्रीगेट होने चाहिए, दैट इज़ वेल ग्रेडेड एग्रीगेट. कुछ एडमिक्सचर्स को भी यूज़ किया जाता है, जैसे प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर, एयर एंट्रेंट एडमिक्सचर, ताकि हम वाटर का परकोलेशन रोक सकें और एग्रीगेट, सीमेंट या हमारे कंक्रीट को अच्छे टाइम तक और ज़्यादा टाइम तक स्टेबल कर सकें. आफ्टर डिस्कसिंग ऑल ऑफ द प्रॉपर्टीज इन द कंक्रीट, वी शुड बी कमिंग टू द टेस्ट ऑफ द कंक्रीट. कंक्रीट के ऊपर साइट टेस्ट किया जाता है, जिसे हम कहते हैं
slumped इसे medium workable। इसमें क्या होता है, एक inverted bucket type का हमारे पास एक apparatus होता है जिसे हम mold कहते हैं। ये 20 cm, 10 cm, 60 cm dimension का होता है। इस mold को हम ऊपर से cement fill करते हैं, उसके बाद जैसे ही mold को हटाते हैं हमें cement नीचे जाता हुआ दिखाई देता है। इसके तीन तरीके होते हैं, जैसे true slump, shear slump और collapse slump। हम road में जो value use करते हैं, road में जो cement use करते हैं उसकी slump value 20 to 40 mm होती है। normal RCC work में 45 cm भी अगर slump की height आ रही है तो हम allow कर देते हैं। Now the second test we are having is compaction factor test। इस compaction factor test में हम तीन buckets लेते हैं, ऊपर की दो buckets sieved होती है और नीचे का एक finely mold होता है। ऊपर से cement डाला जाता है तो वो दोनों buckets से सीव होकर के मोल्ड में जा कर के गिरता है। जब मोल्ड पूरा भर जाता है तो उस मोल्ड का वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जाता है, वेट किया जाता है, और तीसरी बार उस मोल्ड को टैम्परिंग रॉड या वाइब्रेटर से फिल किया जाता है। इन दोनों के बीच के मासेस का जो रेशियो होता है उसे हम कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट कहते हैं। कॉम्पैक्शन फैक्टर और सम के बीच का रिलेशन टेबल के थ्रू पॉइंट आउट किया जाता है। नाउ कमिंग अप टू द थर्ड टेस्ट विच इज फ्लो टेबल टेस्ट। ये बहुत ही हाई वर्केबिलिटी वाले सीमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। फ्लो टेबल टेस्ट में हम क्या करते हैं, एक मोल्ड लेते हैं, मोल्ड को फिलअप करते हैं, उसके बाद हम उस मोल्ड को हटाने के बाद हम एक फ्लो टेबल के ऊपर देखते हैं कि मोल्ड कितनी देर में कितने ज़्यादा एरिया तक फैला हुआ है। जो मोल्ड का एक एवरेज रेडियस होता है, एवरेज स्प्रेड होता है, उसमें 25 न्यूमेरिकल वैल्यू को माइनस करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं 25 से, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज फ्लो परसेंटेज। इसके बाद इसी का एक एडवांस फॉर्म हमने यूज़ किया है, वीबी टेस्ट। इसी फ्लो टेबल के मोल्ड को हम एक वाइब्रेटिंग टेबल के ऊपर रख देते हैं और वाइब्रेटिंग टेबल के ऊपर वही फ्लो का रेडियस चेक करते हैं और सेम वीबी टेस्ट के थ्रू फ्लो परसेंटेज निकाला जाता है। इसके बाद हमारे पास टेस्ट में आ जाता है कुछ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में पहला होता है चिमट रिबाउंड हैमर टेस्ट और दूसरा होता है पल्स वेलोसिटी टेस्ट। में रिबाउंड हैमर टेस्ट में हमारे पास एक रिबाउंड हैमर गन होती है, इसमें हम हैमर का बटन दबाते हैं और उसके बाद हैमर में स्प्रिंग के थ्रू एक वैल्यू आती है। तीसरा हमारे पास पल्स वेलोसिटी टेस्ट होता है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को या इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएशंस को मेजर करते हैं किसी भी कंक्रीट स्ट्रक्चर के थ्रू। उसके बाद हमें पल्स वेलोसिटी टेस्ट एक हमारे ट्रांसमीटर्स के थ्रू वैल्यू देता है। हमारे पास अब आते हैं कंक्रीट इक्विपमेंट्स फाइनली, जो कि है वाइब्रेटर। वाइब्रेटर्स में एक आता है इंटरनल वाइब्रेटर विच इज लाइक अ मेटल रॉड, एक होता है फॉर्म वाइब्रेटर, जैसे कंक्रीट का स्ट्रक्चर है उस फॉर्म वर्क किया हुआ है तो फॉर्म वर्क में ही हम वाइब्रेटर यूज कर देते हैं, फॉर्म वाइब्रेटर। तीसरा है वाइब्रेटिंग टेबल, किसी भी स्लैब को, इन्वर्टेड स्लैब को अगर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसमें एक वाइब्रेटिंग टेबल लगा देते हैं। उसके बाद आखिरी है हमारे पास पीरियड ऑफ क्यूरिंग, जो वाइब्रेटर के थ्रू जितना भी हमारा कंक्रीटिंग वर्क किया हुआ है उसकी पीरियड ऑफ क्यूरिंग होती है 7 to 14 days। अब हमारे पास नए एक्स्ट्रा पोर्शन जितने ऐड हुए हैं वो मैं बता दूं। सबसे पहला है वाटर प्रूफिंग कंक्रीट सीमेंट विच इज यूज ऑफ हाइड्रोफोबिक सीमेंट, जो हम वाटर प्रूफिंग प्लास्टर्स या पीओपी यूज करते हैं, दोज आर दैट। अब एक बैग ऑफ सीमेंट का वॉल्यूम 34.5 लीटर्स होता है, मींस 50 केजी ऑफ सीमेंट इज 34.5 लीटर्स वॉल्यूम वाइज। 38% ऑफ वाटर इज यूज्ड फॉर 50 केजी ऑफ सीमेंट। एक बैग ऑफ सीमेंट को हम अगर कंक्रीट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें 19 लीटर ऑफ वाटर चाहिए होगा। सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट जो होता है वो जिप्सम के थ्रू गमन होता है। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है इसका, गेट सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट किसके थ्रू गमन होता है, तो दैट इज जिप्सम। आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल ऑफ द पोर्शंस इन द कंक्रीट एज वेल एज इन ऑल ऑफ द पोर्शंस इन द बिल्डिंग मटीरियल, बट अगर इसके बाद भी कोई सेक्शन रह जाता है तो प्लीज मेंशन इट बिलो द कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली आंसर इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।